I've fallen in love with I Love. I love. Él bole, wow. श्री नारायण की कृपा से प्राप्त, ऋषियों के आशीर्वाद से पालित पोषित, शक्तिशाली वीर पूर्वजों की भुजाओं से सुरक्षित इस राज्य में, इस राज्य की राजधानी में और राजधानी के इस स्वयंवर भवन में अभ्यागत राज समाज का अभिनंदन और स्वागत है। आप सभी अपनी अपनी वैभवशालिनी राजधानियों से इस स्वयंवर भवन की शोभा बढ़ाने आए, हम आपका अनुग्रह सादर स्वीकार करते हैं। आपने यहां आकर आर्य राज समाज की प्राचीन परंपरा को इस प्रकार अपना समर्थन प्रदान किया है। यह परंपरा जो आर्य राज कन्याओं को स्वयं अपना वर मनोनीत करने का अवसर प्रदान करती है, इस रीति से स्वयं राज कन्या अपने मनोदीप के प्रकाश में अपने भविष्य को उज्जवल करने का संकल्प करती है। उपस्थित राज्यसभा में जिसे राजकन्या अपना वर मानकर वरमाला से विभूषित करेगी, उसे राज समाज के अन्य सभी राजा धन्य कहकर बधाई देंगे। वो काल देश के लिए आपत्ति काल होगा जब आर्य कन्याओं से स्वयं अपना वर मनोनीत करने का अधिकार ले लिया जाएगा। आशा है और विश्वास भी कि आज मेरी पोषित पुत्री कुंती जिसे धन्य करेगी, उसे सभी धन्य कहेंगे और यह शुभ अवसर सचमुच शुभ अवसर हो जाएगा। मेरी पुत्री के जन्म का नाम तो पृथा था। इसकी माता नागवंश भूषण आर्यक की कन्या और इसके जनक है यदुकुल श्रेष्ठ सूरसेन, जिन्होंने कुंती भोज को अपने प्रेम का ऋणी बनाया और प्रथा को मेरी गोद में दे दिया। वही प्रथा यहां कुंती कहलाई और राजघराने के लिए वरदान बन गई। कुंती के आते ही राजघराना संतान से लहलहाने लगा। भाग्यशाली भाइयों की यह सौभाग्यशाली बहन अब अपने भाग्यशाली वर को मनोनीत करेगी। महेशमती नरेश, ओंकारेश्वर भक्त, नर्मदा देवी के कृपा पात्र, अग्नि देव जिनकी यज्ञशाला के संरक्षक हैं। उज्जैनी नरेश, महाकालेश्वर के उपासक जिनकी महासेना, मगध के राजकुमार, महायोद्धा गदाधारी जरासंध, कामरूप नरेश, प्राग ज्योतिषपुराधीश, महामंडलेश्वर कलिंगराज, कौशल नरेश, न जाने राजकुमारी आज किसे अपने भाग सुहाग का स्वामी बनाएगी। ये तो विधाता ही जाने, किंतु इनमें से किसी एक को चुनना काम में कठिन। मुझे तो राजकुमारी के वरमाला के योग एक ही गला दिखाई दे रहा है। किसका? वो जो राजाओं महाराजाओं के इस सरोवर में कमल की तरह खिला हुआ है। अरे तेरी आंखों को क्या हो गया, तुझे हस्तिनापुर नरेश दिखाई नहीं दे रहे। चंद्रवंश भूषण, कुरुकुल गौरव, हस्तिनापुर नरेश, अम्बालिका नंदन, दिग्विजयी महाराज पांडु,
दुल्हन की आंखों में आंसू, ये तो आंसुओं की रुत ही नहीं, फिर ये आंसू क्यों? आंसू की इस बूंद की कहानी या ये जाने, या सूर्यदेव, या फिर मैं, क्योंकि मैं तो वहीं था। इसने मथुरा के वृष्णवंशी राजा शूरसेन के राजमहल में जन्म लिया था। वहां इसका नाम प्रिथा रखा गया था, परंतु जब मथुरा नरेश ने प्रिथा को अपने वंशहीन भाई कुंतीभोज की गोद में डाल दिया, तो वहां जाकर इसका नाम कुंती पड़ गया। कुंतीभोज के प्यार की धूप छांव में कुंती को उसका रंग रूप मिला। उन्हीं दिनों ऋषि दुर्वासा कुंतीभोज के राजमहल में पधारे। क्या मेरा यहाँ कोई स्वागत नहीं? क्या हम यहाँ इतने अप्रिय हैं? ये आप क्या कह रहे हैं प्रभु? आपकी चरण धूलि से कुंतीभोज का ये राजमहल धन्य हो गया प्रभु। प्रणाम ऋषिवर। ये मेरी पुत्री कुंती है। सौभाग्यवती भवा। मेरा सौभाग्य तो आपकी सेवा में ही है ऋषिवर। ऋषिवर, स्त्री की पृथ्वी पर क्या महत्ता है? पुत्री, संसार में स्त्री का बहुत उच्च स्थान है। वास्तव में स्त्री ही संसार की जननी है। हम तुम्हारी सेवा से अति प्रसन्न हुए राजकुमारी। मांगो, हम तुम्हें क्या वरदान दें? ऋषिवर, आप तो भविष्य में झांक सकते हैं। मुझे कोई ऐसा वरदान दीजिए जो भविष्य में मेरे काम आए। अच्छा, तो हम तुम्हें ऐसा मंत्र देते हैं जिसके जप करने से तुम देवलोक से जिसे भी बुलाना चाहोगी उसे आना ही पड़ेगा। ऋषि दुर्वासा ने कुंती को एक ऐसा अमोघ वशीकरण मंत्र दिया जो वश में ना आने वाले देवों को भी वरदान देने के लिए विवश कर दे। कुंती एकांत में अनेक बार ऋषि का
कथनानुकथन स्मरण करती और सोचती, क्या ये सब वास्तविक है? देव तो कहीं दिखते नहीं, क्या सचमुच उनका साक्षात्कार संभव है? सोच विचार में डूबी हुई कुंती को माता का एक आदेश याद आया और उसने सूर्य नारायण को जल दिया। सायंकाल उसने फिर सूर्य को देखा। वो दृश्य के प्रति आकर्षित हुई और एकाएक उसके मन को विवश करने वाला कौतूहल जागा। तो हम तुम्हें ऐसा मंत्र देते हैं जिसके जप करने से तुम देवलोक से जिसे भी बुलाना चाहोगी उसे आना ही पड़ेगा। क्या यह सत्य हो सकता है? उसने हठात मंत्र का प्रयोग कर दिया। क्यों बुलाया प्रथा? क्षमा चाहती हूँ देव, ऋषि दुर्वासा ने मुझे एक मंत्र दिया था, मैं तो बस उसी की जांच कर रही थी, परंतु देव आप तो सचमुच प्रकट हो गए। क्षमा चाहती हूँ देव, आपको कष्ट हुआ, कृपया आप वापस लौट जाइए। मैं दुर्वासा के मंत्र का फल दिए बिना नहीं लौट सकता, विवश हूँ, क्योंकि मंत्र अमोघ है। यदि यह व्यर्थ हुआ तो सृष्टि का सूक्ष्म संतुलन ही डामाडोल हो जाएगा। तो आपको जो देना है वो देकर आप लौट जाइए देव, मुझे डर लग रहा है। मैं तुम्हें एक पुत्र दूंगा। हाँ, परंतु सूर्य देव, मैं तो एक कुंवारी कन्या हूं, मैं अपने पिता और समाज को क्या मुंह दिखलाऊंगी? चिंता ना करो, तुम्हारे कौमार्य को कोई ठेस नहीं पहुंचेगी। तुम्हारा पुत्र हमारे कवच और कुंडल सहित जन्म लेगा। वो दानवीर कर्ण के नाम से त्रिलोक में प्रसिद्ध होगा। Yeah.
सूर्य देव तो वरदान दिए बिना जा नहीं सकते थे, तो वे कुंवारी कुंती की गोद में एक बच्चा रखकर चले गए। बच्चे ने तो जीवन का सामना करने के लिए कवच पहन रखा था, परंतु कुंती के कौमार्य के पास तो कोई कवच नहीं था। वो क्या जवाब देगी, क्या कहेगी समाज से कि कुमारी कुंती मां कैसे बन गई? सीता जैसी देवी की पवित्रता को संदेह से देखने वाला समाज भला उसकी बात क्यों सुनेगा? तो फिर ये कुंती क्या करे, कहां छिपाए इस पुत्र को जिसे वो अपना पुत्र कह भी नहीं सकती? अपना दान अपनी मां से आरंभ करो दानवीर करण। अपनी मां को क्षमा कर दो, अपनी मां को क्षमा कर दो। आर्यपुत्र, वो कौन सा विचार है आर्यपुत्र जो कुंती और माद्री से अधिक प्यारा हो गया? ये विचार एक नरक है रानी, एक दहकता हुआ भभकता हुआ नरक, जिसमें मेरे जीवन का एक एक क्षण सूखी लकड़ी की तरह जल रहा है। मैं आपकी अर्धांगिनी हूं आर्यपुत्र, तो वो नरक आधा मेरा हुआ, मुझे बताइए आर्यपुत्र। तुम्हें वो दिन याद है कुंती, जिस दिन मैंने तुम्हें और माद्री को अश्वारोहण के लिए उकसाया था और जीतने पर तुम दोनों ने मुझे एक पुरस्कार देने का वचन दिया था? और मैं आगे निकल गई तो? असंभव। दांव पर क्या लगाओगी? हार गई तो क्या दोगी? जो आप कहें। जीत गया तो बेटे लूंगा, वो भी 5। चलिए स्वीकार, 2.5 मैं दे दूंगी और 2.5 दीदी। नहीं नहीं, दीदी बड़ी हैं, दीदी 3 बेटे देंगी और 2 बेटे मैं। परंतु अगर आप हार गए तो? हार गया तो बेटे दूंगा, जीत गया तो बेटे लूंगा। देखा दीदी, जीत भी इनकी और पट भी इनकी। अब
तुम दोनों वो वचन पूरा नहीं कर सकती। क्यों आर्य पुत्र? यही ऋषि किंदम का शाप है कुंती। शाप? मुझे वंशहीन बनने का पाप सहन करना होगा। वंशहीन मरने का पाप। एक उपाय है आर्यपुत्र। उपाय? मेरी सेवा से प्रसन्न होकर ऋषि दुर्वासा ने मुझे एक मंत्र दिया था, जिस मंत्र से किसी भी देव का आह्वान किया जा सकता है। यह वशीकरण मंत्र है। तो उस मंत्र का उपयोग करो। यदि उस मंत्र में शक्ति है वरदान देने वाले देव के वशीकरण की, तो आह्वान करो धर्मराज का, आह्वान करो। पुत्र, इस बालक में धर्म का अंश है। यह धर्मात्मा होगा, सत्यवादी होगा और युद्ध में स्थिर रहेगा। तो हे कुंती, इसका नाम युधिष्ठिर रखना। ताश्री, मेरा आशीर्वाद स्वीकार करो महाराज। बधाई हो, कुरु राजवंश में युवराज पैदा हुआ है। अर्थात? पांडु के यहां पुत्र पैदा हुआ है, युधिष्ठिर नाम रखा है। हमारी ओर से उन्हें और हमारी कुलवधु को बधाई भेज दीजिए ताश्री। जो आज्ञा महाराज। आशा तो मेरी पहले पति थी। ईश्वर की जैसी इच्छा। अब पवन देवता का स्मरण करो। आर्य पुत्र, आर्य
इसी पत्थर की भांति कल इसके सामने आते ही बड़े बड़े सूरमाओं का बल टूट जाएगा और इसके भय से रणभूमि कांपेगी। इसलिए हे कुंती, इसका नाम भीम रखना। इसने तो शिला को तोड़ दिया, बड़ा बलशाली होगा। इसका नाम होगा भीम, शत्रुओं के लिए ध्वंस। हम हस्तिनापुर की धरोहर लौटाने आए हैं गंगा पुत्र। मेरे प्रिय पुत्र पांडु, ये तूने क्या किया? हम सबको छोड़कर चला गया पांडु। ऋषिगण, आप लोगों को कोटि कोटि धन्यवाद। आइए पधारिए। नहीं गंगा पुत्र, हमारा कार्य संपूर्ण हुआ, हमें आज्ञा दीजिए। चलो कुंती। हमें कक्ष द्वार तक ले चलो पुत्र दुर्योधन। ये लोग वन से लौटकर यहाँ क्यों आ रहे हैं? तो वे कहाँ जाएं दुर्योधन, ये उनका घर है पुत्र। ये हमारा घर है। ये तुम्हारा घर भी है और उनका भी। नहीं, ये केवल मेरा घर है, केवल मेरा। कभी कभी मुझे दुर्योधन की बातों से भय लगने लगता है आर्यपुत्र। ये बातें तो राजपुत्र की पहचान है गांधारी। सेविका, द्वार कितनी दूर है? महारानी आ गई महाराज। कुंती। ज्येष्ठ श्री। उठो कुंती, पांडु के साथ मेरी इन बाहों का बल भी गया, ये तुम्हें अब नहीं उठा सकती। दीदी, दीदी के चरण न छुओ कुंती, उसे गले लगा लो। दीदी, दीदी मैं घर खाली हाथ आ गई, मैं खाली हाथ आ गई। दीदी खाली हाथ क्यों? पांच रत्न चुलाई हो। ज्येष्ठ श्री, युधिष्ठिर आपका ज्येष्ठ पुत्र। आयुष्मान भाव पुत्र।
दुर्योधन, अपने ज्येष्ठ भ्राता युधिष्ठर को प्रणाम करो पुत्र। हाँ दुर्योधन, अपने भ्राता युधिष्ठर को प्रणाम करो और इसे अंदर ले जाओ। जाओ पुत्र। कुंती, चलो कुंती, माता श्री प्रतीक्षा कर रही है। धीरज रखिए माता श्री, धीरज रखिए, मुझे धीरज मत दिलाओ बालिका, मेरा दुख समझो, मैं अब तीसरी पीढ़ी को रो रही हूं। गंगा पुत्र भीष्म के साथ जो अन्याय हुआ है, उसका ना जाने अभी कितना मूल्य चुकाना पड़ेगा। अपने अपने पति पर रोई, पुत्र पर रोई, और अब पुत्र के पुत्र पर रो रही हूं। मेरी आंखों के भंडार में भगवान जाने कितने आंसू हैं। मेरे पुत्र को वन में क्यों अकेला छोड़ा है कुंती? बोल, क्यों छोड़ा है मेरे पुत्र को वन में? कुंती की तो मांग ही उचल गई है, उसका दुख तुम्हारे दुख से कहीं अधिक है। कुंती, मेरे पास आओ। माते श्री, ये तो देखो, ये एक पांडु को लेकर गई थी, पांच पांडुओं को लेकर लौटी है। अब माता श्री को कौन समझाए कि दुर्योधन से हमें स्नेह मिल ही नहीं सकता। भीम, तुम्हें अपने भाई के स्नेह पर संदेह शोभा नहीं देता। हाँ भ्राता श्री, ये मैं भी जानता हूँ, परंतु मुझे खीर में विष खिलाकर गंगा जी में बहा देने वाले किसी और नगरी से नहीं आए थे। भीम भैया, ये ठीक ही कह रहे भ्राता श्री, मैं तो अपने भ्राता श्री को अकेले कभी वारणावत नहीं जाने दूंगा। अर्जुन, अहो भ्राता श्री, आप अपने प्रिय दुर्योधन को अभी तक समझे ही नहीं। इसमें समझना क्या है अनुज, मेरे लिए भवन बनवाने में भला उसका क्या लाभ हो सकता है? लाभ है क्यों नहीं, वो जानता है कि अब तो आप ही हस्तिनापुर नरेश होंगे, तो राज के कोष भी उसके हाथ से निकल जाएगा। राष्ट्र की पूंजी पर दानवीर बना हुआ है, परंतु आपके राजा बन जाने के उपरांत क्या करेगा? वो जानता है कि अब तो आपके अधीन होकर ही जीना है, तो आपको प्रसन्न करने के लिए चालें चल रहा है। और ये संभव है कि इसके अतिरिक्त भी कोई चाल हो? मामा शकुनी और उस सूत पुत्र करण के साथ मिलकर वो न जाने क्या क्या षड्यंत्र रच रहा होगा। भ्राता श्री, यदि ये उसके वश में होता कि वो आपको राजा ना बनने दे, तो वो आपको कभी राजा नहीं बनने देता। परंतु अभी राजा बने कहां है? तभी तो कह रहा हूं कि भ्राता श्री का वहां अकेले जाना उचित नहीं है। चाहता तो स्वयं मैं भी यही हूँ, क्योंकि यदि हम सब भाई साथ रहेंगे तो अधिक आनंद मिलेगा। माता श्री से पूछ लो, यदि वे आज्ञा दे दें तो हम सभी चलें। ए सहदेव, तुम कहना माता श्री को, तुम्हारा कहा वो कभी नहीं टालती। मैं तो ये कहता हूँ मझले भैया, कि माता श्री को भी साथ लेते चलें। माता श्री चलें तब तो बड़ा ही आनंद आएगा, क्योंकि यदि वे नहीं होंगी
तो भीम के लिए आधा भोजन कौन अलग करेगा? अब आपको भी मेरा खाना बुरा लगने लगा भ्राताश्री? अरे नहीं अनुज, यदि खाते तुम हो तो पेट मेरा ही भरता है, परंतु दुर्योधन की ओर से मन मैला ना करो। वो अभिमानी अवश्य है परंतु कायर नहीं, वो लड़ सकता है, षड्यंत्र नहीं कर सकता। भ्राताश्री, अभिमान भी कायर की ढाल होती है। माताश्री आप विराजिए। बैठो पुत्रों। ये किस विषय पे वाद विवाद हो रहा है? कौन कायर है? कैसी ढाल? भूख लग रही थी, उसे टालने के लिए यूं ही हम लोग आपस में कुछ कह सुन रहे थे। सहदेव का प्रस्ताव ये है माताश्री कि हम सभी वारणावत चलें तो कैसा रहेगा? तुमने तो मेरे मन की कह दी पुत्र। तुम्हारा अकेला जाना मुझे यूं भी उचित नहीं लग रहा था पुत्र, परंतु तुम लोगों के साथ मेरा जाना क्या उचित रहेगा पुत्र? ये आप क्या कह रही है माताश्री? यदि आप नहीं गई तो मैं नहीं जाऊंगा, और मैं नहीं गया तो कोई नहीं जाएगा। हाँ हाँ माताश्री, आपको हमारी चलना होगा। अच्छा अच्छा, मैं भी चलूंगी। समझ न पाए पांडुसुत कपट चाल का जाल, प्रेम सना विष प्रेम से स्वीकारा तत्काल, स्वीकारा तत्काल। महाराज की हार्दिक इच्छा थी कि आपके पुत्रों के सहयोग से जो ये भवन मैंने बनाया है उसमें आपका हार्दिक स्वागत किया। अच्छा, तो आज हम महाराज के नाम पे पिएंगे। आज पांडव पुत्र जय सो रहे इस मदिरा का स्वाद तो बहुत ही अद्भुत है पुरोचन जी। वो तो होगा ही, क्योंकि ये राजमहल की मदिरा है, संभाल कर पीना नहीं तो सिर पर चढ़ कर बोलने लगी। सिर पर चढ़ के बोलेगी? मदिरा सिर पर। माताश्री, आज मध्य रात्रि से पहले हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। हमारे लिए सुरंग का प्रबंध हो चुका है। बाहर तो हमारी हत्या का समारोह हो रहा है राधाश्री। मैं षड्यंत्र के लिए गंधार नरेश को कभी क्षमा नहीं करूंगी। सुरंग का मुंह खोलो भीम। ठहरो मजले भैया, इस तरह से मुंह छुपाकर भागना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। बड़े भैया, हम भाग नहीं रहे प्रिय अनुज, हम जा रहे हैं। जाने और भागने में बड़ा अंतर होता है। और फिर काकाश्री ने कुछ सोचकर ही हमसे ये कहा होगा कि हम यहां से चुपचाप निकल जाएं और लोगों को ये समझने दें कि वो अपने षड्यंत्र में सफल हो गए हैं। सुरंग खोलो भीम। षड्यंत्र के इस लाक्षाग्रह का अग्निदाह आप ही कीजिए माताश्री। नहीं सहदेव, माताश्री हर षड्यंत्र से ऊंची है। माताश्री, पहले आप चलें। नहीं, पहले मेरा पुत्र सहदेव जाएगा। चल सहदेव।
दुर्नीति संकेत हो कृष्ण कृपा हो चार संकट की ज्वाला स्वयं बने मुक्ति की राह बने मुक्ति की राह। मंजले भैया, यदि हम घर चल के माताश्री से ये कहें कि हम भिक्षा ले आए और पांचाली को सामने कर दें तो कैसा रहेगा? राजकुमारी को भिक्षा कहोगे? परिहास में हानि ही क्या है मंजले भैया, क्यों पांचाली? जैसी आपकी इच्छा। आज हम बड़ी अच्छी भिक्षा ले आए हैं माताश्री। सारे भाई आपस में बांट लो। ये देवी कौन है पुत्र? माताश्री, ये कांपिल्ले की राजकुमारी द्रौपदी हैं। अर्जुन ने इसे स्वयंवर में जीता है।
अखंड सौभाग्यवती भवा। परंतु माताश्री, आपने इनके विभाजन का आदेश दिया है। इसके विभाजन का आदेश? क्या मेरी मति मारी गई है कि मैं पुत्र वधु के विभाजन का आदेश दूंगी? अर्जुन, तुमने तो भिक्षा, तुम दोनों ने द्रौपदी को भिक्षा बताया था, पत्नी को भिक्षा कहा तुमने, माँ से झूठ बोले अर्जुन। अब बांटो इसे और बांट कर दिखलाओ मुझे। क्या समस्या है माताश्री? ये तो तुम अपने इन दोनों अनुजों से ही पूछो युधिष्ठिर, जो पत्नी को भिक्षा मानते हैं, वस्तु समझते हैं, क्या भरत वंशियों की यही मर्यादा है? तुम तो साक्षात धर्म हो, तुम ही बताओ युधिष्ठिर। नारी तो शक्ति है माताश्री, नारी के बिना नर संपूर्ण नहीं हो सकता। नारी चाहे माता के रूप में हो, चाहे पत्नी के रूप में, चाहे बहन के रूप में हो, चाहे पुत्री के रूप में, नारी सदैव आदरणीय है। भीम और अर्जुन ने नारी को भिक्षा कहके नारी का अपमान किया है, और माता परम गुरु भी है, उसका कोई भी आदेश अस्वीकारने हो ही नहीं सकता। ये आप क्या कह रहे हैं भ्राताश्री? हाँ, माताश्री के मुंह से आज तक कोई अस्वीकारने बात नहीं निकली, तो फिर माताश्री के अनजाने में दिए गए इस आदेश में भी कोई ना कोई रहस्य अवश्य होगा। वर्तमान में जो कुछ भी हो रहा है, अतीत में उसका कोई ना कोई अंकुर अवश्य होगा। तो क्या तुम ये कह रहे हो युधिष्ठिर कि द्रौपदी को पांचों भाइयों में बांट दिया जाए? ये मैंने नहीं कहा माताश्री, ये आपने कहा है, ये आपका आदेश है। मैंने तो भिक्षा के लिए कहा था पुत्र। ये आप जाने, परंतु ये सोच लीजिए माताश्री कि भविष्य में जो कुछ भी होना है वो ना आप जानती हैं और ना मैं। हो सकता है कि आपकी जीप पर बैठकर स्वयं काल ने ये निर्णय लिया हो। युधिष्ठिर, तुम कोई उदाहरण दे सकते हो पुत्र? अवश्य दे सकता हूं माताश्री। गौतम कुल की कन्या जटिला का विवाह सात ऋषियों से हुआ था। दाना हिरण्याक्ष की बहन प्रचित्ति का विवाह 10 भाइयों से हुआ था। परंतु क्या विवाह और विभाजन में कोई अंतर नहीं है भ्राताश्री? वास्तविकताओं के इस चक्रव्यूह से निकलने के मार्ग का ज्ञान मुझे नहीं है प्रिय नकुल। वासुदेव का प्रणाम स्वीकार कीजिए बुआ। युग युग जियो वत्स, द्वारका में तो सब कुशल है ना? आपके आशीर्वाद से वहां तो सब कुशल है, परंतु इस समय मुझे यहाँ कुशलता दिखाई नहीं दे रही। हम एक धर्म संकट में पड़ गए हैं वत्स। भीम और अर्जुन द्रौपदी को लेकर आए और मुझसे कहने लगे कि माते, हम एक बहुत अच्छी भिक्षा लेकर आए हैं। मैंने देखे बिना ही कह दिया कि सारे भाई आपस में बांट लो। अब द्रौपदी कोई वस्तु थोड़ी है जिसका विभाजन किया जाए। ये तो आप स्वयं द्रौपदी से ही पूछिए। ये क्या बताएगी वत्स? यही तो बताएगी, क्योंकि इसी ने पूर्व जन्म में ये नहीं सोचा था कि गागर में समाई कितनी है, और महादेव से सागर का वरदान मांग लिया। और जब वो बोले कि यह संभव नहीं है, तो ये बोली कि ईश्वर के लिए भला क्या असंभव हो सकता है, परंतु महादेव के लिए भी गागर को नदी का वरदान देना संभव नहीं है। द्रौपदी, तुमने ऐसा क्या मांग लिया था महादेव से पुत्री? ये तुम बताओगी द्रौपदी के, ये भी मैं ही बताऊं? द्रौपदी ने महादेव से एक ही वरदान में लपेटकर 5 वरदान मांगे थे बुआ। उसने एक ऐसा पति मांगा था जो धर्म का चिन्ह हो, प्रतीक हो, सत्य का संकेताक्षर हो, जो हनुमान की भांति बलवान भी हो, परशुराम जैसा धनुर्धर हो, सुंदर तो ऐसा हो कि समय भी देखता रह जाए, और सहनशीलता में कोई उसके समान न हो। क्या तुमने ऐसा नहीं मांगा था द्रौपदी? और क्या महादेव ने यह नहीं कहा था कि यह सारी श्रेष्ठताएं एकत्र नहीं हो सकती? कुछ मांगने से पहले तुम्हें यह सोच लेना चाहिए था द्रौपदी कि जो मांग रही हो तुम्हारे हाथ में उसकी समाई है या नहीं। महादेव से तुमने हट करके वरदान तो ले लिया, अब बुआ के मुख से स्वयं महादेव बोले हैं, क्योंकि आधुनिक संसार में
युधिष्ठिर ही धर्म का चिन्ह है। यह है महादेव का पहला वरदान। आधुनिक संसार में भीम से अधिक शक्तिशाली कोई नहीं। महादेव का दूसरा वरदान। आधुनिक संसार का सबसे बड़ा धनुर्धर अर्जुन है, यह तुम्हारा तीसरा वरदान। आधुनिक संसार में नकुल से अधिक सुंदर कोई नहीं, तुम्हारा चौथा वरदान। सहदेव सहनशीलता में सर्वोत्तम है, तुम्हारा पांचवा वरदान। हां, ये सारे वरदान लौटाकर यदि तुम महादेव का अपमान करना चाहो तो यह तुम पर निर्भर है द्रौपदी। अरे, आप सब लोग द्रौपदी की ओर क्यों देख रहे हैं? पार्थ, तुमने स्वयंवर अवश्य जीता है, परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि जीती जागती द्रौपदी भिक्षा हो गई। माता परम गुरु होती है, अर्थात तुमने अपने परम गुरु से झूठ बोला है। और बुआ, मां होने का अर्थ यह नहीं कि आप देखे बिना, सोचे बिना, समझे बिना आदेश दें कि आपस में बांट लो। आपने ममता की मर्यादा का उल्लंघन किया है। तो आज से यह जीवन आप सबकी तपस्या भी है और प्रायश्चित भी। पूर्व जन्म में थे दिए शिव ने जो वरदान, वरे पांच वर द्रौपदी पांचों गुणी महान, पांचों गुणी महान। आज भूमि पर चल पड़े भूपति दीन समान, छोड़ चले रे घर नगर समय बड़ा बलवान, समय बड़ा बलवान। ज्येष्ठ श्री भरत परंपरा रक्षक महाराज धृतराष्ट्र की सेवा में उनकी अनुज वधु कुंती का प्रणाम स्वीकार हो। विदुर, जी महाराज, क्या ये कुंती है? हाँ महाराज। तो ये यहां क्यों आई है? ये मैं नहीं जानता महाराज। नहीं जानते तो पूछो उससे, पूछो। जो क्या? महाराज ये जानना चाहते हैं भाभीश्री कि आपने राज्यसभा में आने का कष्ट क्यों किया? मैं इस राज्यसभा की भूमि को प्रणाम किए बिना और इससे आज्ञा लिए बिना तो नहीं जा सकती थी महामंत्री विदुर। तुम कहां जा रही हो? मैं अपने पुत्रों के साथ वन में जा रही हूं। परंतु तुम क्यों जा रही हो? तुम हमारे भवन में रहो, ये तुम्हारा घर है। बच्चों के झगड़े में हम क्यों पड़े? क्षमा चाहती हूं जयश्री, पर जो राजभवन चुपचाप अपनी कुल वधु के वस्त्र हरण का दृश्य देखता रह गया हो, क्या उस राजभवन में किसी छत्रानी को रहना शोभा देगा? हमें जाने की आज्ञा दीजिए ताजश्री, क्योंकि आपसे अच्छी मर्यादाओं की भाषा और कौन समझ सकता है? आप तो स्वयं मर्यादा के प्रतीक हैं ताजश्री। इस नगर में मेरी भी एक कुटिया है भाभीश्री, यदि आप उसे सम्मानित करें तो मैं उसे अपना सौभाग्य मानूंगा। किंतु विदुर, निर्णय लेने में इतनी शीघ्रता न दिखलाइए भाभीश्री। ज्येष्ठ पांडु पुत्र, भाभीश्री की आयु देखो, इनके शरीर की दुर्बलता को देखो। क्या तुम इनका वन में जाना
स्वयं भाविश्री के लिए और हम सब के लिए उचित समझते हो? इनका जीवन तो दांव पर भी नहीं लगा था। विनती करो पुत्र, हाथ जोड़कर इनसे प्रार्थना करो कि ये तुम्हारे साथ वन में न जाएं, क्योंकि इनके यहां रहने पर कदाचित दुर्योधन को भी कोई आपत्ति नहीं होगी। यदि छोटी मां चाहे तो वे मेरे भवन में रह सकती हैं। कभी नहीं। यदि माता श्री तेरे भवन में रह गई तो हम तेरे आभारी हो जाएंगे, और यदि हम तेरे आभारी हो गए तो फिर पांचाली के केशों के लिए अंजलि भर तेरी छाती का लहू लेना कठिन हो जाएगा। हे हस्तिनापुर राज्य, हे हमारे पूर्वजों, हे पितामह भीष्म, हे कुलगुरु कृपाचार्य, हे ज्येष्ठ पिताश्री, हे गुरुवर द्रोणाचार्य, ये ज्येष्ठ पांडव पुत्र युधिष्ठिर अपने अनुजों और द्रौपदी समेत आप सबको नमस्कार करता है और वन प्रस्थान के लिए आप सबका आशीर्वाद मांगता है। पुत्र, तूने मेरी ओर से तो नमस्कार किया ही नहीं। नहीं माताश्री। हाँ? काकाश्री ठीक कह रहे हैं, मैंने आपका जीवन दांव पर नहीं लगाया था ना पुत्र, इसलिए आप काकाश्री के घर पर रहकर हमारे लौटने की प्रतीक्षा कीजिए। ना पुत्र, ना, नहीं। और हम आपको वचन देते हैं माताश्री, मेरे पुत्र, कि 13 बरस के उपरांत हम अवश्य लौटेंगे। ना पुत्र, आशीर्वाद दीजिए माताश्री, हमें आशीर्वाद दीजिए माताश्री। मेरे पुत्र, मैं तुम लोगों के बिना। उठो पुत्री, शोक न करो, शोक न करो। दुखों को केवल मुस्कान का वान ही भेद सकता है, इसलिए मुस्कुराओ पुत्री, मुस्कुराओ। एक विशेष बात का ध्यान रखना, वहां मेरे पुत्र सहदेव का विशेष ध्यान रखना। अपने पुत्रों में वो मुझे अधिक प्रिय है पुत्री, अधिक प्रिय है। जाओ, जाओ अपने पितामह से आशीर्वाद ले लो। जाओ पुत्र, जाओ। प्रणाम देवी। आप उस वृक्ष की छाया में नीचे बैठकर बताइए देवी, कि अधिरथ पुत्र राधे आपकी क्या सेवा कर सकता है? यहां बैठिए, लगता है धूप का अभ्यास नहीं है आपको। धूप तो स्वयं मेरे भीतर बहुत कड़ी है पुत्र, बहुत कड़ी है। मैं तुमसे कुछ मांगने आई हूं। मैं जानता हूं देवी, मेरे पास जो भी आता है कुछ मांगने ही आता है, परंतु मांगने से पहले क्या आप मुझे अपना परिचय देंगी? क्योंकि जिस प्रकार आपने मांगा है वो मांगने वालों की शैली नहीं थी। मुझे ऐसा लगा जैसे आज आप पहली बार किसी से कुछ मांग रही हूं,
यदि मांगना नहीं आता है देवी तो मांगिए मत, आदेश दीजिए। नहीं नहीं, तुम्हें आदेश देने का मुझे कोई अधिकार नहीं है। तुम्हें आदेश देने का तो अधिकार केवल तुम्हारी मां राधा को है। मैं उस देवी को प्रणाम करती हूं जिसे तुम जैसा पुत्र मां कहकर पुकारता होगा और उस मां का आशीर्वाद पाता होगा। क्या आप उन्हें जानती हैं? भारतवर्ष में ऐसा कौन है जो तुम्हारी माता को नहीं जानता? भारतवर्ष की बात छोड़िए देवी, अपनी माता को तो स्वयं मैं भी नहीं जानता। मेरी माता ने मुझे जन्म देते ही त्याग दिया था और बहा दिया था इसी गंगा में। परंतु जिस देवी का आपने अभी अभी नाम लिया है वो मेरी माता नहीं है, वो मेरी माता से कुछ अधिक है। फुलोरियां जिन्हें गा गा कर मुझे मेरी माता ने सुलाना चाहिए था, मैंने उसी देवी से सुनी है। उसी देवी के मृदुल हाथों ने मुझे थपथपाया है, उसी देवी की सुगंधित गोद में मुझे नींद भी आई है। आज भी जब मेरी आत्मा के घाव दुखने लगते हैं तो वही देवी ममता का स्नेह लेप लगाती है। फिर भी मेरा जीवन एक शून्य सा लगता है। मेरे हृदय में उस माता का स्थान रिक्ति है ना, जिसने मुझे कभी स्वीकार नहीं किया। कभी कभी जी चाहता है कि वो मुझे कहीं मिल जाए और मैं उनके चरण स्पर्श के पश्चात उनसे ये पूछूं कि हे माता, मुझे मेरा दोष तो बताओ, मुझे ये तो बताओ कि मैं किस अपराध का दंड भुगत रहा हूं। और यदि तुम्हारी माता ने तुम्हें अपनी विवशता समझा दी तो क्या करोगे? विवशता? भगवान तो विवश हो भी सकते हैं देवी, किंतु माता कभी विवश नहीं हो सकती। माता भी विवश हो सकती है राधे, माता भी विवश हो सकती है। मैं जानती हूं तुम्हारी माता की विवशता। आप जानती हैं मेरी माता की विवशता? हाँ। आप कैसे जानती हैं? मैं ऐसे जानती हूं कि क्योंकि मैं ही वो विवश मां हूं जिसे अपना पहला पुत्र त्यागना पड़ा था। आप? आप मेरी माता हैं? हाँ पुत्र। तो मैं इंद्रप्रस्थ की राजमाता को सादर प्रणाम करता हूं। पुत्र? मुझे पुत्र ना कहिए, मैं राधा का पुत्र राधा ही हूं, राधा ही। और आप राजमाता कुंती हैं, पांडवों जैसे महारथियों की माता। ये कैसे आश्चर्य की बात है कि राजमाता कुंती इस सूत पुत्र कर्ण के पास कुछ मांगने आई है। मांगिए महारानी कुंती, मांगिए। आपकी सेवा करना तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है। पुत्र? किंतु पुत्र कहकर ना मांगिए। क्यों ना मांगू पुत्र कहके? कर्ण तो मेरा पुत्र है, तो मेरा पुत्र। मैं तो तब भी आपका पुत्र था ना, जब आपने मुझे त्याग दिया था। और आज भी आपको मेरे लिए आपकी ममता नहीं लाई होगी मेरे पास, आपका कोई उद्देश्य लाया होगा मेरे पास, आपको आपका कोई स्वार्थ लाया होगा मेरे पास। तू दानवीर कर्ण है,
इतना कठोर कैसे हो सकता है? इतना कठोर कैसे हो सकता है पुत्र? ये कठोरता नहीं है माता, ये कठोरता नहीं है, ये तो मेरे हृदय की पीड़ा है, पीड़ा। मेरे भाग की सारी ममता तो आपने उन तीन पुत्रों और माद्री पुत्रों में बांट दी, और आप मुझे कठोर भी कह रही। इस सूर्य पुत्र कर्ण को संसार सूत पुत्र कहकर अपमानित करता रहा और आप चुप बैठी रही, और आज आज आपको अपना त्यागा हुआ पुत्र कैसे याद आ गया? अपने इस त्यागे अभागे पुत्र से क्या चाहिए आपको? जो कुछ मांगना है माता, मांगी और शीघ्र ही राजभवन लौट जाइए, कि कहीं कोई आपको इस सूत पुत्र कर्ण के साथ देखकर पूछ न बैठे कि हे महारानी, आप इस सूत पुत्र के पास क्यों आई हैं? क्योंकि आप उस पूछने वाले से यह नहीं कह पाएंगी कि मैं किसी सूत पुत्र के पास नहीं आई हूं, मैं तो अपने पुत्र के पास आई हूं। आपकी जो व्यवस्था उस दिन थी माताश्री, जिस दिन मैंने जन्म लिया था, वही व्यवस्था आज भी है, आज भी। पल भर के लिए अपनी इस कड़वाहट के कवच को उतार दो कर्ण, और ये सिर मेरी गोदी में रख दो, मेरी गोदी में रख दो पुत्र, ताकि मैं तुम्हारा सिर सहला सकूं पुत्र, कर्ण मेरे पुत्र। ये राधे का सिर है राजमाता, ये सूत पुत्र राधे का सिर है, ये आपकी गोद की योग्य नहीं है। मैं आपकी गोद में अपना सिर रखकर उसे अशुद्ध नहीं करना चाहता। ऐसा ना कहो पुत्र, ऐसा ना कहो। मैं आपका पुत्र नहीं हूं, मैं अपने आप को आपका पुत्र कहकर उस देवी की ममता का अपमान नहीं कर सकता राजमाता कुंती, जिसने मुझे आप बनकर पाला। आप यहां मेरी मां बनकर नहीं आई हैं, आप अर्जुन की ढाल बनकर आई हैं। यदि आप मेरी मां बनकर आती तो यहां ना आती। महात्मा विदुर के निवास स्थान से आप अपने रथ पर बैठती और अपने सारथी से कहती कि हे सारथी, मुझे अपने ज्येष्ठ पुत्र कर्ण के घर ले चलो। वहां रथ से उतरकर आप द्वारपाल को आदेश देती कि जाओ और जाकर करण से कहो कि उसकी माता उसका माथा चूम कर उसे आशीर्वाद देने आए। किंतु आपने ऐसा नहीं किया, क्योंकि आप मुझे कुछ देना ही नहीं चाहती। इसलिए आपने ऐसे समय और ऐसे स्थान का चुनाव किया जबकि आप जानती हैं कि मैं किसी मांगने वाले को रेते हाथ लौटा ही नहीं सकता। आप यहां मुझे अपने पुत्र होने का सम्मान देने नहीं आई, आप मुझसे अर्जुन का जीवन दान मांगने आई है। इसलिए ये ममता का मुखौटा उतारिए और जो मांगना है मांगिए। क्या आपने उस दिन रंगभूमि में मेरा कवच और मेरे कुंडल देखकर मुझे पहचान नहीं लिया था? और यदि पहचान लिया था तो जब भीम और अर्जुन मुझे सूत पुत्र कह रहे थे तो आपने उन्हें टोका क्यों नहीं? आपने उनसे यह क्यों नहीं कहा कि वे राधे के विषय में ऐसी असभ्य बातें न कहें? क्योंकि ये तो राधे है ही नहीं। कौरवों की भरी सभा में मेरे दोनों अनुजों से आपने ये क्यों नहीं कहा कि जिसे वे सूत पुत्र कह रहे हैं वह सूत पुत्र नहीं है, उन्हीं की भांति कौन्तेय है? आपने उन्हें आदेश क्यों नहीं दिया कि वे मेरे चरण स्पर्श करके मुझसे आशीर्वाद लें कि मैं उनका ज्येष्ठ भ्राता हूं? ऐसा नहीं है माते, ऐसा कदाचित नहीं है कि मैं उस माता के लिए बिलखना हूं जिसने मुझे जन्म देकर त्याग दिया था। मैं आपके विषय में सोचता रहता कि आप कैसी होंगी, मेरी कल्पना कभी आपका कोई रूप बनाती और कभी कोई। मैं तरसता रहा हूं इन चरणों के स्पर्श के लिए। कभी कभी यह सोचकर मैं रो भी लिया करता था कि ऐसी ही कोई व्यवस्था रही होगी कि मेरी माता ने मुझे त्यागने के अतिरिक्त और कोई मार्ग ना पाया। नहीं तो कोई मां अपने बच्चे को त्याग सकती है भला? यही सोचकर मेरे हृदय की पीड़ा कम हो जाया करती थी, परंतु आज आज आपने ममता को राजनीति बनाकर मेरे हृदय के सारे घाव हरे कर दिए हैं।
आप ममता लेकर नहीं आई हैं मेरे पास, आप कटोरे में ममता के चांद की छाया लेकर आई हैं मेरे पास। आज तो आपने अन्याय की हर सीमा पार कर दी माता, हर सीमा पार कर दी माता, माता, माता। ये शब्द गुड़ की टली की भांति मेरे मुंह में पिघला जा रहा है। जानती हैं आप, जानती हैं कि मेरा सारा लड़कपन आपको माता कहने के लिए तरसता बीत गया, परंतु आपकी ममता तो अपने पांच पुत्रों में संतुष्ट रही ना, और आप आज आज अपनी गोद में मुझे अपना सिर रखने का अधिकार देने आई हैं, जबकि आप भली भांति जानती हैं कि आपका यह अभागा पुत्र इस सम्मान को स्वीकार नहीं कर सकता। जब मुझे आपकी आवश्यकता थी तब तो आप मुझे मिली नहीं, आपने मुझे अपमानों के कटीले वन में भटकने के लिए अकेला छोड़ दिया और मुझे लहू लहान होता देखती रही। तो आज जब आपको अपने पुत्रों के लिए इस त्यागी हुए पुत्र की आवश्यकता है तो वो आपको क्यों मिले, बताइए माता, वो आपको क्यों मिले, क्यों बताइए माता, वो आपको क्यों मिले, क्यों बताइए क्यों मिले। कर्ण मेरे पुत्र, कर्ण, आपके आंसुओं की गंगा में स्नान करके मैं तो धन्य हो गया माता, धन्य हो गया। अब बतलाइए कि इस राधे के लिए क्या आदेश है। नहीं कर्ण, तुम राधे नहीं, तुम कौंतेय हो पुत्र, कौंतेय, मेरे ज्येष्ठ पुत्र, और तुम्हारी माता होना मेरे लिए गर्व की बात है। मैं संसार से कहूंगी कि मैं पांच नहीं, मैं छह महारथियों की जननी हूं पुत्र। अब ये कहने से क्या होगा माते, कृपया मुझे राधे ही रहने दीजिए। ये राधे कुछ लोगों का ऋणी है माते, और राधे स्वयं अपने ऋण उतारेगा। इसलिए ये बताइए कि आप मुझसे क्या मांगने आई थी। निराश तो नहीं करोगे पुत्र, यदि आप जो कुछ मांग रही हैं वो देना मेरे वश में होगा तो आपकी आज्ञा का पालन अवश्य करूंगा, आदेश दीजिए। अब ये जान देने के पश्चात कि तुम जेश कौन तय हो, तुम्हारे लिए अपने अनुजों से युद्ध करना उचित नहीं है पुत्र। मैं तुम्हें लेने आई हूं, अपने अनुजों के पास चलो, वो तुम्हें सिर आंखों पर बिठाएंगे और तुम इस संसार पर राज करोगे पुत्र। दो दिनों में यह दूसरी बार है कि मुझे संसार पर राज करने के लिए आमंत्रित किया जा रहा है। कल यही उत्कोच वासुदेव देना चाह रहे थे और आज आज यही उत्कोच देने का प्रयत्न आप कर रही हैं। नहीं कर्ण, नहीं, ये उत्कोच नहीं है, ये तुम्हारा अधिकार है पुत्र, तुम्हारा अधिकार। मेरा हृदय मेरी अपनी उदासियों और कड़वाहटों से इतना भरा हुआ है कि अब उसमें किसी और मनोवृत्ति के लिए स्थान ही नहीं बचा। आपकी इस आज्ञा का पालन करना मेरे वश में नहीं है। किंतु क्यों नहीं है तुम्हारे वश में, क्यों नहीं है पुत्र? क्योंकि कौंतेय तो मैं अब बना हूं, समझिए कि मेरा दूसरा जन्म हुआ है। जो मैं कौंतेय बन गया तो इस सूत पुत्र राधे का ऋण कौन उतारेगा माते? जब मेरी माता न थी, जब मेरे अनुज न थे,
जब इस संसार में मेरा कोई मित्र न था तब दुर्योधन ने मुझे मित्र कहा था माते, तो क्या आपके इस पुत्र को यह शोभा देगा कि मैं अपने उस मित्र को त्याग कर अपने अनुजों के शिविर में चला जाऊं? यह आभार का ऋण है माते, मैं इस ऋण को चुकाए बिना तो भुलों को भी नहीं त्यागना चाहता। वो मेरे भरोसे तो पांडवों से युद्ध करने के लिए तैयार हुआ है, तो क्या मैं उसके पास जाकर उससे यह कहूं कि हे मित्र दुर्योधन, पांडव तो मेरे अनुज निकले, तुम कोई और मित्र ढूंढ लो। मेरे सिर पर गुरु परशुराम और एक ब्राह्मण का शाप तो है ही, इंद्र देवाकर मेरा कवच और मेरा कुंडल मांग ले गए, और अब वासुदेव और आप दोनों ने मुझे निहत्था कर दिया। हे माते, फिर भी मैं दुर्योधन के पक्ष में युद्ध करने के लिए कदाचित उतना ही विवश हूं जितनी विवश आप मुझे त्यागने के लिए थी। परंतु हे माते, आप मुझसे कुछ मांगने आई थी और मैं आपको दे नहीं पाया, इसलिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूं, किंतु मैं आपको रीते हाथ नहीं जाने दूंगा। आप पांच पुत्रों की माता हैं और ये तो मेरे, आपके और सूर्यदेव के अतिरिक्त कोई नहीं जानता कि आप छह पुत्रों की माता हैं। तो हे माता, युद्ध का परिणाम जो भी हो, आपके पांच पुत्र जीते अवश्य रहेंगे। यदि मैं वीरगति को प्राप्त हो गया तो अर्जुन बचेगा, और यदि वो वीरगति को प्राप्त हो गया तो मैं रहूंगा। आपके पुत्रों की गिनती नहीं बिगड़ेगी माते, नहीं बिगड़ेगी। सदा ही